9 बजने वाले हैं। आपसे जुड़ी खबरें लेकर पब्लिक इंटरेस्ट में हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं जोगविंदर पटियाल। आज इसराइल और हमास जंग से तिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। आतंकवादियों ने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गाजा हो या फिर इसराइल, बच्चों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कॉलिंग कार्ड में वॉर जोन का दर्द दिखाना है। इसराइल का पूरा फोकस इस वक्त गाजा पट्टी पर है। हवाई अटैक के बाद 3 लाख रिजर्व फोर्सेस के जवान वहां मूव होने वाले हैं। तो अब क्या गाजा इतिहास बन जाएगा? अगर इसराइल सरहद बदल जाएगी तो 21 लाख की आबादी का क्या होगा जो गाजा में रहती है? सिग्नेचर स्टोरी में गाजा के भविष्य पर बातचीत होगी। खेल मैदान पर खेला जाता है और खेल में अगर धर्म आ जाए तो विवाद बढ़ना लाजमी है। यही पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी ठोककर गाजा की सपोर्ट में ट्वीट कर दिया, लेकिन नियम ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। सोशल प्लेटफॉर्म पर इस खबर की चर्चा करेंगे। कल हमने आपको उत्तराखंड की नई शराब नीति की खबर दिखाई थी, जिसमें क्या कहा गया था? कहा गया था कि आप 12,000 रुपए का परमिट लीजिए और 50 लीटर शराब घर में रख लीजिए। हमारी खबर का असर हुआ है, सरकार ने नई नीति पर यू टर्न लिया। भूलने नहीं देंगे मैं, ये डेवलपमेंट आपको दिखाना है। चलिए, बड़ी शानदार खबर खेल के मैदान से भी आ रही है। भारत ने वर्ल्ड कप में दूसरी जीत हासिल की है और क्रिकेट के मैदान में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और 84 गेंदों पर 131 रन बनाए। विराट कोहली ने 55 रन बनाए, वो नाबाद रहे। ईशान किशन ने 47 रन बनाए। बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। कमाल की आज खेल जो है वो देखने को मिला है। लेजेंड क्रिकेटर कपिल देव हमारे साथ मौजूद है। कपिल जी, आपने जो कहा था आखिरकार वही हो गया? आपने कहा था रोहित कमाल कर देगा, ये कैसे भविष्यवाणी कर दी आपने? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है और उनके पास रन ड्यू थे और शायद पिछले बार आउट हो गए तो ऐसा लगा कि बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी, लेकिन उनका खेलने का तरीका, उनका अंदाज बहुत बढ़िया है। और रन ड्यू जब किसी प्लेयर के होते हैं तो अक्सर यही निकलता है कि हाँ, इनके रन बनने चाहिए। और कप्तान के जब रन बनते हैं तो टीम में एक माहौल बदलता है, कप्तान की खुद एक आवाज़ में फ़र्क आता है, एक लीड करने में फ़र्क आता है। अब ये बताइए कि जो तीसरा मैच होने वाला है उसकी कोई भविष्यवाणी कर दीजिए फटाफट। देखिए, किसी मैच के बारे में आप कह नहीं सकते, आप टीमों की तुलना कर सकते हैं और वहाँ कह सकते हैं कितना बेहतर है। इस समय लग रहा है इंडियन टीम बहुत बेहतर है, लेकिन किसी टीम को भी आप छोटा नहीं मान सकते। चाहे रिकॉर्ड हमारा 8-0 है या 7-0 है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो लेकिन अगले मैच में कोई मायना नहीं रखता। वो जो हो गया वो निकल गया है, अब जो मैच आने वाला है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और किस तरह इंडियन टीम उसको खेले। बड़ा सवाल, भारत को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए गुजरात में? देखिए, सबसे पहले है कि पहले 7 या 8 या 10 ओवर इंडियन टीम को, भारत की टीम को थोड़ा सा संभल के खेलना होगा। उसके बाद उनके पास इतनी डेप्थ है, वो किसी आंकड़े को भी छू सकते हैं। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हुआ, अगर आप 2-3 विकेट खो देते हैं, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप 180 रन की या 200 रन की पार्टनरशिप हो, बहुत अच्छा खेले, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले 12-15 ओवर अगर ना विकेट गिरने, 8 ओवर तक तो नहीं गिरना चाहिए, ये सोच लेके चलना चाहिए। रन अगर कम भी बने तो कोई चिंता नहीं, आज के क्रिकेटर को रन बनाने आते हैं। और आखिर के 15 ओवर में अगर मेन बैट्समैन है, वो 125 बनाते हुए उनको कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। और सलाह है इंडियन टीम को कपिल जी की कि पहले 15 ओवर ध्यान से खेलना है। ज़रूर ध्यान से खेलेंगे, आपकी सलाह भी मानेंगे। चलिए, ये तो मैदान की जंग की बात हुई, अब इसराइल और हमास की असली जंग की बात कर लेते हैं। लग रहा है कि इस जंग का दायरा बढ़ने वाला है। इजिप्ट ने इसराइल से कहा है गाजा की सरहद को रोकने के लिए जो रसद रोकी गई है वो अच्छा नहीं किया। वॉर जोन में आज क्या क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए फटाफट ये दिखा देते हैं आपको। 5 दिन की जंग में अब तक 2,320 लोगों की मौत हो चुकी है, 8,180 लोग घायल हैं। इसमें इसराइल के 1,340 लोगों की जान गई है और 3,100 यानी 3100 का इलाज चल रहा है। ये इसराइल के लोग हैं। फिलिस्तीन का क्या कहना है? फिलिस्तीन कहता है उसके 980 लोगों की जान गई है, यानी मारे गए इस युद्ध में। घायलों की संख्या
5000 से ज्यादा बता रहा है फिलिस्तीन। हमास की गिरफ्त में अमेरिकी नागरिक भी फंसे हुए हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए अमेरिका आर्मी ऑपरेशन कर सकता है, जल्दी इस ऑपरेशन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने रोमानिया और जॉर्डन में तैनात सील कमांडोज को अलर्ट पर रखा है। उधर इसराइल लेबनान बॉर्डर पर जंग का मोर्चा खुला हुआ है, हिजबुल्ला पर भीषण गोलीबारी चल रही है। लेबनान के टेरर ग्रुप हिजबुल्ला ने इजरायली सेना की चौकी को एंटी गाइडेड मिसाइल से उड़ाया था। बदले में इजरायल ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। इजरायल एयरफोर्स ने गाजा में 70 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। हमास के एयरक्राफ्ट डिटेक्शन सेंटर को भी उड़ा दिया गया है। युद्ध के बीच गाजा में ब्लैकआउट हो गया। क्यों ब्लैकआउट हुआ? क्योंकि पावर स्टेशन का फ्यूल खत्म हो गया और सप्लाई ठप हो गई है। इसराइल हमास युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। इसकी उम्मीद है कि ये जंग जल्द खत्म होगी, हर कोई कर रहा है, लेकिन वॉर जोन में एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अमन की इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर रही हैं। इसकी वजह है हमास, कैसे, जिसने इसराइल पर हमले के दौरान इसराइल के खिलाफ अपनी नफरत को हैवानियत में बदल डाला, मासूम बच्चों को बेरहमी से मार डाला। ये तस्वीरें उसी गाजा की हैं जहां से शनिवार को हमास के आतंकी निकले और इसराइल के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। और अब इसराइल ने तय कर लिया है कि जंग को अंजाम तक पहुंचाए बिना वो रुकने वाला नहीं, यानी हमास का खात्मा। हमास के आतंकियों ने बुजुर्गों और नौजवान इसराइलियों को ही नहीं निशाना बनाया बल्कि बच्चों को भी नहीं बख्शा और बेरहमी से मासूमों का कत्ल कर दिया। एक के बाद एक इसराइल पर हमले की तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। हर तस्वीर में हमास के आतंकियों की करतूत दिख रही है, मानो उनके सिर पर हैवानियत सवार थी। इजरायली सेना ने फिलिस्तीन और हमास से कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसके अफसरों का कहना है कि ऐसी बेरहमी उन्होंने कभी नहीं देखी और ये युद्ध नहीं बल्कि नरसंहार है। You see the babies. आपने देखा बच्चे, उनके माता पिता अपने कमरों में थे सुरक्षित जगहों पर, लेकिन हमास के आतंकियों ने कैसे उन लोगों की हत्या कर दी। ये कोई युद्ध नहीं है, ये युद्ध का मैदान नहीं है, ये नरसंहार है, ये एक आतंकवादी हमला है। आप खुद देख सकते हैं, ये ऐसी घटना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। ऐसी ही एक तस्वीर गाजा पट्टी के करीब इसराइल के किबुत्ज इलाके की है। शनिवार को हुए हमले में हमास के आतंकी इसराइल की सीमा में दाखिल हुए और यहां की यहूदी बस्तियों में कत्लेआम मचा दिया, जिसकी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। हर तरफ लाशों के ढेर थे जिसमें बड़ी संख्या बच्चों की थी। यहाँ के हालात के बारे में बताना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर सामूहिक नरसंहार हुआ है। मैंने कुछ इजरायली सैनिकों से बात की, उन्होंने यहाँ आकर जो देखा वो बयां किया। वो हर घर में जाकर तलाशी कर रहे हैं। यहाँ कई समुदाय के लोग रहते थे, उनके बच्चों के सिर शरीर से अलग थे। आप देख सकते हैं कि सैनिक भी एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। कई लोग अपने परिवार को छोड़कर इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि पहले कभी भी उन लोगों ने ऐसा अनुभव नहीं किया था। यहाँ हालात ऐसे हैं कि जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। ये तस्वीरें डिस्टर्बिंग हैं और आतंकवाद के खौफनाक चेहरे को उजागर करती हैं, खास तौर पर जब सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। हम पिछले कुछ घंटों से एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, पूरी ताकत और गंभीरता से हमास के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हम हमास से जुड़े हथियारबंद ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमास ने इसराइल पर जो अत्याचार किया है उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, निराशा है, हैरानी है, फिर भी हम नियम कानूनों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।
हमने अब भी नैतिकता बरकरार रखी है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम कानून के अनुसार लड़ें। बच्चे सिर्फ इसराइल पर हमास के हमले में ही नहीं मारे गए, इसराइल की गाजा पट्टी की आबादी पर की गई बमबारी में भी बच्चे चपेट में आ गए। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच रिश्ते हमेशा तल्ख और हिंसक रहे हैं, पर हमास के हमले के बाद हालात जंग में बदल गए। इसमें सबसे बड़ी कैजुअल्टी इंसानियत की हुई है। अगर थोड़ी बहुत इंसानियत बची होती तो कम से कम बच्चों और बुजुर्गों को बख्श दिया जाता। हमास के हमले के दौरान इसराइलियों को बंधक भी बनाया गया, उनमें ना सिर्फ मर्द और औरतें शामिल हैं बल्कि बच्चे भी हैं। हमास अब उन्हीं बंधकों को ढाल बना रहा है और ये भी कह रहा है कि युद्ध विराम तक कोई भी बंधक छोड़ा नहीं जाएगा। हमास ने ऐसे ही एक इजरायली परिवार का फेसबुक लाइव किया जिन्हें आतंकी हमले के बाद हमास ने पकड़ा था। इस परिवार के घर में हमास के आतंकी घुस गए। आतंकियों ने परिवार के मुखिया के पैर में गोली मारी जिसके बाद पूरा परिवार खौफ में आ गया। बच्चे भी डरे सहमे हुए थे, लेकिन हमास के आतंकियों को इन पर कोई तरस नहीं आया। बच्चों और महिलाओं पर हमास के जुल्म की ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। इसराइल का दावा है कि हमास ने 40 बच्चों की हत्या की है, 40 बच्चों की, और उनके शवों के साथ बर्बरता भी की गई है। और ये सारे उसी इलाके में थे जो गाजा से सटे हुए बॉर्डर में इजरायली इलाके में रहते थे उनके साथ। दूसरी तरफ फिलिस्तीन ने क्या दावा किया? फिलिस्तीन ने कहा है कि गाजा में भी 260 बच्चों की मौत हो चुकी है और इजरायली एयर स्ट्राइक से तबाही मची हुई है। जंग रूस और यूक्रेन के बीच भी जारी है, पता है ना आपको, वहां पर भी बड़ी संख्या में बच्चे जंग का शिकार हुए हैं। यूक्रेन में अब तक 1741 बच्चों की मौत हो चुकी है। हर रोज 3 बच्चों की मौत होती है जंग के कारण। इस लड़ाई में 1300 यानी 1300 स्कूल तबाह हो चुके हैं। इसराइल और गाजा पट्टी के ताजा हालात जानने के लिए मुझे लगा कि वहां के लोकल लोगों से बात करनी चाहिए। दिन भर में वो तलाशता रहा, फिर मैंने भारतीय मूल के इजरायली काउंसलर बेनी बेंजामिन से बात की। बेंजामिन ने इस लड़ाई में बच्चों पर जो जुल्म हुए उनको लेकर कई ऐसी बातें बताई कि दिल दहल गया। What had happened in our place, 1300 people killed, innocent people, children, pregnant children, women, children with their families, completely families, and they were killed like somebody was killed, like son was killed before his mother. The pregnant lady was, I can't say that. इतनी बुरी चीज कभी नहीं देखा मेरे जन्म मेरे लाइफ। इसराइल में दाखिल होने के बाद हमास ने सबसे पहले उन गांवों को निशाना बनाया जो बॉर्डर से सटे हुए थे। इन्हीं में एक गांव कफार अजा किबुत्स भी था। चश्मदीद क्या कहते हैं? कहते हैं कि कफार अजा की गलियों में लाशों ही लाशें थी, लाशों से पटी हुई थी वो गलियां। ये गांव गाजा से लगती फेंसिंग से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में आता है, मतलब 1 किलोमीटर के फासले से भी कम पड़ता है। कत्लोगार्त का ये मंजर सिर्फ इसी गाँव में नहीं हुआ, बहुत जगहों पर इसी तरह की कत्लोगारत देखी गई। इसीलिए इसराइल ने गाजा पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी की है। मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग का अंजाम क्या होगा? क्या इसराइल हमास के सर्वनाश तक नहीं रुकेगा? गाजा पट्टी का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा? क्या इस युद्ध में मिडल ईस्ट का मैप बदलने वाला है? इसराइल पर हमास के आतंकी हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया इस फ्लैश पॉइंट की तरफ ध्यान से देख रही है। बमबारी अब भी जारी है और हमास के हमले और इसराइल के एक्शन के बाद की तबाही का अब 5 दिन बाद अंदाजा लगना शुरू हुआ है।
इसराइल ने गाजा को मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। गाजा में बिना इजाजत किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर कई एयर स्ट्राइक की हैं। हमलों में 980 लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से ज्यादा घायल हैं। हर बीते दिन के साथ गाजा की बस्तियां खाक होती जा रही हैं। शहर इमारतों का कब्रिस्तान नजर आने लगा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने गाजा को गर्क में मिलाने की खुली छूट दे दी। कह दिया है कि गाजा अब पहले जैसा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा ऐसे समझे। इसराइल ने अपनी फौज को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दे दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने गाजा की कई मस्जिदों पर भी हमले किए हैं। इनमें से 4 मस्जिद क्षति रिफ्यूजी कैंप में थी, जो पहले से ही गाजा पट्टी के सबसे घनी आबादी वाले इलाके में से एक है। इसराइल के लिए गाजा पट्टी हमेशा से सिरदर्द रही है। 2005 तक गाजा पर इसराइल का ही कब्जा था। 2007 में गाजा में हमास की हुकूमत बनी और तभी से इसराइल के बॉर्डर वाले इलाकों में बवाल होता रहा है। इस बार भी गाजा से ही हमास ने हमला किया, लिहाजा इसराइल ने इस दफा गाजा का वजूद मिटाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक गाजा में 3 लाख इजरायली सैनिकों को भेजने की तैयारी है। हमास के सफाए के लिए ऑपरेशन ग्राउंड असॉल्ट शुरू किया गया है। हवाई हमलों में हमास के सभी ठिकाने तबाह किए जाएंगे। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में फौज दाखिल करवाई जाएगी। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा से लगे उन सभी इलाकों को वापस ले लिया है जहां हमास आतंकियों ने हमला करके कब्जा कर लिया था। Whipped out the Hamas organization and taking over the Gaza Strip. Anybody that stay in the Hamas area is under danger. He must get out. And there is another option. Participate in the resistance to those Nazis, to those Hamas soldiers. Israeli force kaise Gaza ko samtal karne ja rahi hai? अलरिमाज शहर की इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। ऐसी ही तस्वीरें गाजा के हर इलाके से आ रही हैं। अच्छा, कहां पर इसराइल है, कहां गाजा है, कहां वेस्ट बैंक है, कहां पर मिस्र है, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए एक बार हमने पूरे जो दुनिया का नक्शा उससे कोशिश की है। इसराइल के नक्शे को गौर से देखिए तो आपको पता लगेगा कि ज़मीन की किस तरफ कौन सा टुकड़ा है और इसी में कहां गाजा है और कहां तेल अवीव है और गाज़ा के लोगों की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से किसके सहारे चलती है ये दिखाएंगे हम आपको। ये आ जाइए, ये मिडिल ईस्ट के जरिए हम इसराइल पे पहुँचे और इसराइल के बाद अब हम एक एक करके सारी चीज़ें, तेल अवीव उसकी राजधानी कहाँ पर है वो दिखाएंगे, यरूशलम कहाँ है वो दिखाएंगे, वेस्ट बैंक कहाँ है वो, हाइफा देख लीजिए आप, ये तमाम वो इलाके हैं जो इसराइल के हैं। अब यहाँ से आपको मिस्र देखिए, मिस्र की सीमा जो है वो भी उससे सटी हुई है। और दूसरा जो है, अब हम आपको वो इलाका दिखाएंगे गाजा पट्टी का इलाका कौन सा है। ये है गाजा पट्टी जहाँ से इसराइल लड़ रहा है हमास के साथ। और गाजा पट्टी के उस तरफ जो है वो समुद्र है और इधर जो बॉर्डर पड़ता है एक स्ट्रिप है बीचों बीच, और इस तरफ जो है वो इसराइल का बॉर्डर पड़ता है। तो कुल मिलाकर गाजा पट्टी का जो है वो गुजर बसर कैसे चलती है, वो दुनिया भर से जो एड आती है उसके जरिए चलती है। 1948 से लेकर 1967 तक गाजा पर मिस्र का कब्जा रहा, लेकिन 1967 में 6 दिनों की भीषण जंग के बाद, भीषण लड़ाई के बाद इसराइल ने अरब देशों को हराते हुए मिस्र से ये पट्टी छीन ली थी। लेकिन 2005 में इसराइल ने भी गाजा पर कब्जा छोड़ दिया और वहाँ पर उनको कहा गया कि आप अपना कामकाज खुद चलाइए, और हमास को ये कहा गया कि आप इसका का कामकाज देखिए, जबकि बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई और रोजगार वहाँ पर इजरायली करता है। क्या गाजा में अब कोई साधारण आदमी रहने लायक गाजा पट्टी नहीं बचेगी, ये मान लिया जाए? इजरायल का संकल्प क्या है? मेरे बारे में बोल सकता हूँ, मैं इसराइल के पॉलिटिक्स में बात नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन इसराइली, आई एम इन इसराइली पॉलिटिक्स बट इन द स्मॉल इन माय सिटी।
I can only pray to God one thing, that I don't have any problems with the Palestinians. वो आके रह सकते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उससे सीख के एग्रीकल्चर कर सकते हैं उधर अपने. यू नो आई एम टेलिंग यू, वी सेड, वी ऑलवेज से इन आवर टॉक्स, जो कुछ इज़राइल और पैलेस्टीनियन कर सकते हैं, इट विल बी द सेकेंड हांगकांग ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड सिंगापुर ऑफ द वर्ल्ड. बट उन लोग के मन में पीस के लिए कुछ भी नहीं है. हमारे मन में है, वी वॉन्ट पीस, वी आर इनफ वॉर्स, वी डोंट वॉन्ट वॉर्स. इट इज अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ ओनली ज्यूइश कंट्री इन द वर्ल्ड. हम लोग को रहने दो, हम तुमको रहने को देंगे. अभी हम लोग को नहीं देंगे आप रहने को, वी विल नॉट गिव यू टू लिव. हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में क्रिकेटर्स की एंट्री की बात करेंगे. क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक ट्वीट की वजह से एक पाकिस्तानी खिलाड़ी विवाद में आ गया है. विवाद क्या हुआ? पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने फिलिस्तीन इजराइल जंग पर कमेंट कर दिया, गाजा का सपोर्ट किया. मैदान पर ऐसी विचारधारा खेल के लिहाज से कितनी खतरनाक हो सकती है और ऐसे मुद्दों पर आखिर नियम क्या कहते हैं? पाकिस्तान के विकेटकीपर और बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान दो कारणों से चर्चा में है. एक के कारण उनकी सराहना हो रही है और दूसरे पर विवाद खड़ा हो गया है. श्रीलंका के खिलाफ रिजवान ने 131 रनों की मैच जिताने वाली धाकड़ पारी खेली, लेकिन उनकी बैटिंग के फौरन बाद चर्चा में उनका ये ट्वीट भी आ गया. मोहम्मद रिजवान ने लिखा, ये पारी गाजा के हमारे भाइयों और बहनों के लिए है. जीत में योगदान देकर खुश हूं, पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है. 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे थे, तब पाकिस्तान टीम का रेस्ट डे था, यानी कोई मैच नहीं था. 8 और 9 अक्टूबर को भी मोहम्मद रिजवान ने कोई ट्वीट नहीं किया. फिर 10 अक्टूबर के मैच के बाद उन्होंने गाजा के सपोर्ट में ट्वीट किया, जिसे लाखों बार देखा गया और हजारों बार रिपोस्ट हुआ. सवाल है, क्या ICC के नियमों के तहत किसी खिलाड़ी को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय विवादित मसलों पर ट्वीट करने की इजाजत है? क्या ये खिलाड़ी किसी पक्ष का सपोर्ट करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैदान के बाहर या अंदर किसी के सपोर्ट या किसी के खिलाफ कोई इशारा या संकेत कर सकते हैं? ICC के नियम के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ ICC के हाथ इस मामले में इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि ये सभी नियम फील्ड ऑफ प्ले के अंडर ही लागू होते हैं, और इसी वजह से मोहम्मद रिजवान के इस ट्वीट पर ICC फिलहाल चुप्पी साधे हुए है. लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया इस ट्वीट पर क्या रहेगा, क्योंकि PCB के नियम के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी किसी भी तरीके का पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकता है. अब सवाल ये भी है कि अगर भारत पाकिस्तान से पहले भारत के कोई भी खिलाड़ी टेररिज्म के खिलाफ कोई ट्वीट करते हैं तो उस पर PCB का रुख क्या होगा? वैसे बात सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर की नहीं, पाकिस्तान के अंदर से भी इसी तरह का सेंटीमेंट जाहिर होता है, फिर चाहे वो नेता हो या वहाँ की आम पब्लिक. पाकिस्तान के PM अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वो सब्र दिखाने और आम नागरिकों की हिफाजत किए जाने की गुजारिश करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का रुख अलग था. उन्होंने इसराइल के अवैध कब्जे को खत्म करने की अपील की. इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी. इंशाल्लाह ताला हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह लाखों मुसलमान कत्ल कर देते हैं फलस्तीन में, इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया. इसराइल का ये दावा था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, अब जब हमास ने उन पर हमला किया तो कौन सी डिवाइस उसकी काम आई है? बहरहाल मुद्दा है मोहम्मद रिजवान का गाजा के समर्थन में ट्वीट. क्या ICC कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और मोइन अली के खिलाफ ऐसा हो चुका है. 2019 के वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच साउथ अफ्रीका से था. उस मैच में धोनी ने हरे रंग के ग्लव्स पहने थे, इस पर पैरामिलिट्री का बलिदान लोगो था. जब बात उठी तो ICC ने कहा कि धोनी ने नियमों के हिसाब से ग्लव्स नहीं पहने थे. बाद में पूरे टूर्नामेंट के लिए धोनी को ग्लव्स बदलने पड़े थे. इसी तरह 2014 में इंग्लैंड के क्रिकेटर
मोइन अली ने साउथहैम्पटन टेस्ट के दौरान सेव गाजा और फ्री पैलेस्टीन लिखा हुआ रिस्ट बैंड पहना था। आईसीसी ने मामले का नोटिस लिया और ऐसे रिस्ट बैंड पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले खिलाड़ियों ने इन मुद्दों पर मैदान के भीतर और बाहर अपना समर्थन सार्वजनिक तौर पर दिया था। गाजा पट्टी पर तो इजरायली बमबारी जारी है, उधर हमास की तरफ से भी हमले अभी खत्म नहीं हुए हैं। आज इजरायल के दूसरे शहरों को भी निशाना बनाया गया। इस बीच इन हमलों के वीडियो एक भारतीय सिंगर ने भी बनाए जो वहां परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। आइए वो देख लेते हैं कि उन्होंने अपनी अपबीति को इजरायल में रहकर दूसरे भारतीयों तक भी कैसे पहुंचाया और दूसरे भारतीयों की अपबीति भी कैसे दिखाई। गाजा पर इजरायल का जवाबी हमला हुआ तो हमास ने टारगेट बदल दिया। अब इजरायल के तटीय शहर एश्किलोन पर रॉकेट बरसा दिए। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली, साफ साफ कहा जब तक गाजा पर हमले होते रहेंगे इजरायल के शहरों को टारगेट करते रहेंगे। लेकिन इस शहर का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो बनाने वाला भारतीय था। असल में इजराइल पर हमास के हमले के दौरान दो भारतीय सिंगर एश्कलोन के एक होटल में फंस गए थे। सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा 2021 के प्रतियोगी रहे शरद शर्मा और 2009 में टीवी पर प्रसारित हुए शो केफर किशोर के प्रतियोगी चेतन राणा। 7 अक्टूबर को एश्कलोन के हालात क्या थे वीडियो में दिखाया भी। दोनों सिंगर्स अपनी म्यूजिकल टीम के साथ इजराइल गए थे। 4 और 5 अक्टूबर को म्यूजिकल शो में परफॉर्म करना था। शो खत्म हुआ 7 अक्टूबर की शाम को 5 बजे की फ्लाइट से पूरी टीम की रवानगी थी, मगर सुबह सुबह बम धमाकों और सायरन की आवाज गूंजने लगी। होटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों सिंगर्स ने बताया कि बाद में होटल के सभी लोगों को बंकर में छिप जाने के लिए कहा गया। यहीं से उन्होंने रॉकेट और बम धमाकों के वीडियो बनाए। हम लोग जब एयरपोर्ट के लिए निकले तो देखो एक्चुअली इतना डर भरा हुआ था, क्योंकि एक वीडियो हमने ऐसा देख लिया था, वो लोग कार में से निकाल के सीधा गोली मार रहे थे सबको, तो वो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। काफी रोड में गड्ढे हुए पड़े थे जहाँ बॉम्ब गिरा हुआ था और बिल्डिंग में आग लग रही हुई थी। मतलब ऐसे सीन देखे और वहां से हम लोग गुजर के एयरपोर्ट के लिए गए, ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिले मतलब हम सोच भी नहीं सकते। सडनली सायरन की आवाज सुनी और सायरन के थोड़ी मिनट मतलब 1-2 मिनट के बाद धमाका सुनाई दिया और धमाका इतना जोरदार था कि हम लेटे थे हमारे पलंग हिल गया, दो कांच जो विंडो पेन्स होती वो हिल गई। हम लोग सब डर के बंकर में चले गए, आधा घंटा रुके वहां पर, फिर आधे घंटे के बाद बंकर में आधे घंटे के बाद फिर थोड़ा सा लगा कि आवाज नहीं आ रही बम की आवाज, तो हम लोग बाहर आए। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने जो मिसाइल्स छूट रही थी वहां से दिवाली में देखते कि धमाके ऐसे हो रहे हैं, वैसे हम लोगों ने हमने शूट किया। इसराइल में भारत के करीब 18,000 लोग रहते हैं, कई यहाँ पढ़ते हैं तो कुछ अलग अलग सेक्टर्स में नौकरी भी कर रहे हैं। जब इसराइल पर हमला हुआ तो भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों की हिफाजत को लेकर चिंता जताई। अब भारत के विदेश मंत्रालय में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो इसराइल के हालात पर नजर रख रहा है। सरकार का कहना है कि अभी तक वहां रहने वाले नागरिकों की तरफ से इवैक्यूएशन की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। कोई फंसा नहीं है, इसको जाना ही नहीं अभी तक वापस। एम्बेसी ने मेरे से ही नो आई एम वर्किंग विद द एम्बेसी वेरी नियरली, एम्बेसी ने अभी कुछ प्लान चालू किए है बट द डिमांड इज वेरी लो, दे डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर। मेरठ के मोहित भी इजराइल में है, नेगेव की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। माता पिता से रोज वीडियो कॉल पर बात होती है। मोहित बताते हैं कि उनके यहाँ हालात अभी ठीक है मगर फ्लाइट की दिक्कत हो रही है। पहले 12 अक्टूबर को वापसी की फ्लाइट थी, अब 15 अक्टूबर को वापसी की तैयारी है। जंग से हालात बुरे हैं और हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है इजराइल हमास जंग का हर पहलू कवर करें। लेबनान, इजिप्ट से लेकर अमेरिका तक क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, ये सब आपको बताएं, आप तक पहुंचाएं।
मैंने कहा था कि हो सकता है या हो सका तो आपको ग्राउंड जीरो से जाकर वॉर की अपडेट दूंगा। इसी कोशिश में लगा भी हुआ हूं, बस वीजा का इंतजार है। चलिए अब देश की खबरों की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा इसराइल से इधर आते हैं। आपने दाल में काला वाली कहावत तो सुनी होगी, अगर पूरी की पूरी दाल ही काली हो ऐसा सुनने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? आज हम आपको वही काली दाल दिखाने वाले हैं। जिस तरह गरीबों के लिए फ्री राशन योजना चल रही है, उसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए भी सरकारी राशन मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चंदौली में जिन्हें राशन बांटने का जिम्मा मिला था, उन्होंने पहले तो महिलाओं के हक की पूरी दाल ही काली कर दी और फिर वही दाल खाने के लिए बांट भी दी। बढ़िया पैकिंग और उस पर सरकारी मार्का, मतलब ऊपर से देखो तो एकदम उम्दा क्वालिटी, लेकिन जैसे ही पैकेट खुले तो चंदौली के इन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि पैकेट में बंद दाल का रंग बदल चुका था। लेकिन यही घटिया और खराब दाल चंदौली के धूलीपुर गांव में गर्भवती महिलाओं के बीच बांट दी गई। दाल तेल मिला था 2 महीने पहले, 1 महीने का गायब हो गया था। अच्छा। ये 2 महीने से मिला है। अच्छा। तो हम बोला कि सड़ा दाल हम नहीं लेंगे, तो बोले कि ये लेके जाओ ना घर जाओ। पहले तो कहें कि हटो हटो हटो, पहले हटो, अभी नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं को राशन का एक किट मिलता है, उसमें दाल के पैकेट भी होते हैं ताकि महिलाओं को पोषक खाना मिल सके। राशन बांटने का जिम्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का होता है। चंदौली में भी राशन की ऐसी ही किटें बांटी गई, लेकिन घर ले जाकर लोगों ने ये पैकेट खोले, इसमें क्या निकला आप खुद ही देख लीजिए। काली और एक्सपायर्ड दाल। और आंगनवाड़ियां जो है इसको वितरण कर रही है समूह की महिलाओं के साथ, और ये इतना गंदा माल है, इतना सड़ा हुआ है, घुन लगा हुआ है, इसे जानवर भी खा करके बीमार हो जाएगा, अगर इंसान खाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। सरकार इस योजना पर भारी भरकम खर्च करती है, राशन बांटने के लिए पूरा सरकारी तंत्र रहता है, फिर भी किसी ने क्यों नहीं देखा कि जो पैकेट बांटे जा रहे हैं उसमें दाल सड़ चुकी है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। मैं कहूंगा कि अगर इसकी जांच होगी तो हर केंद्रों पे, चंदौली के एक एक केंद्र पे, क्या उत्तर प्रदेश के एक एक केंद्र पर ये जांच हो जाए तो हर जगह की यही हालत है, ये जांच करने की जरूरत। भला हो पैकेट खुलते ही दाल की पोल खुल गई, वरना अगर इसे कोई पका कर खा लेता तो सोचिए खाने वाली महिला का क्या होता। उसकी तबीयत तो खराब हो ही सकती थी, गर्भ में पलने वाले बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता था। यही सोचकर सरकारी राशन किट लेकर घर गए लोग गुस्से में अपना अपना राशन लेकर वापस आंगनवाड़ी केंद्र पर डट गए और मामले की शिकायत अफसरों से की, तो साहब भी भागे भागे पहुंच गए, लेकिन जवाब में वही जांच वाली खाना पूर्ति। जो भी ये कह रहे हैं नोट कराया जा रहा है, इसकी पूरी जांच कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन ग्रामीणों को सही और बढ़िया अनाज दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जांच कब शुरू होती है, कब उसकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होती है, ये कभी सामने नहीं आता। फिलहाल जो सामने आया, यानी लोगों की रसोई तक पहुंच चुका घटिया राशन, उसे प्रशासन ने जब्त कर लिया। इतनी सारी सरकारी योजनाएं शुरू की जाती हैं लोगों को लाभ देने के लिए, लेकिन जिनको अमल में लाना होता है उनको इन्हें सही ढंग से इम्प्लीमेंट करवाने का तरीका नहीं आता, जिस वजह से ये दिक्कत होती है। वैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और आधी आबादी पर, जो भविष्य में भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो महिलाओं पर ही है। केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए क्या कुछ करती है बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाती है। 2022-23 में अनुपूरक पोषण के लिए 8,144 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार भी अलग अलग योजनाएं चलाती है ताकि महिलाओं को फायदा मिले, महिलाओं को पोषक आहार मिले। मतलब सरकार की तरफ से तो पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन जिन लोगों पर योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही यूपी में महिलाओं को एक्सपायर हो चुकी दाल बांटी। उत्तर
उस खबर की बात करेंगे जो हम आपके हित में लगातार उठाते हैं और सरकारें उस पर अपना फैसला भी बदलती हैं। पहले हमने आपको मेडिकल डॉक्टर्स दिलाए, रेप पीड़ितों के इलाज के लिए, उनके मेडिकल उपचार के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। कल हमने पब्लिक इंटरेस्ट में एक और खबर दिखाई, वो उत्तराखंड की थी और उत्तराखंड की नई शराब नीति को लेकर थी, जिसमें एक साल में 12,000 रुपये देकर घर में ही बार खोलने के लिए परमिशन दी जा रही थी, ऐसा प्रावधान किया गया था। और शराब की लिमिट क्या थी, अफसरों का कहना था कि घर में आप अपने बार के अंदर 50 लीटर शराब तक रख सकते हैं। खबर आपके हित में थी, सवाल उठ रहे थे, लोगों ने भी पूछा, घर ही में अगर बार होगा तो फिर वहाँ बच्चे भी जाएंगे, इसे कैसे रोकेंगे, सियासत भी हुई। आखिरकार हमारे खबर दिखाए जाने के बाद असर हुआ है, उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि इस नीति को फिलहाल स्थगित किया जाए, रोका जाए, रद्द किया जाए तो बेहतर होगा। चलिए हम भी शुक्रिया करते हैं, अच्छा काम था, हम पब्लिक इंटरेस्ट में आगे भी इस तरह के मुद्दे आपके लिए उठाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वो लेटर है जिसमें आबकारी सचिव ने ये लेटर जारी करके कहा है कि इस नीति को फिलहाल अगले आदेशों तक स्थगित किया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये खबर दिखाई थी जिसके बाद से उत्तराखंड सरकार चेती है और इस पूरी नीति को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। चलिए अब आते हैं आपके कमेंट्स पर। हमास की पूरी कहानी और उत्तराखंड सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी पर खबर दिखाई थी हमने कल आपको, आपके रिएक्शन आए हैं, देखिए क्या लिखा है आपने। चलिए इंडियन बॉय लिखते हैं, सबसे बड़ा मतलब प्रस्त देश है अमेरिका, वो किसी भी जंग में सिर्फ अपना फायदा सोचता है, जो देश उसे हथियार खरीदने के लिए तैयार हो जाता है अमेरिका जंग को और भड़काकर उसी तरफ झुक जाता है, ये इंडियन बॉय सोच रहा है। कैंथोला साहब क्या लिखते हैं, ये योजना किसके दिमाग की उपज है नहीं पता, परंतु लगता है कि सरकार का इसे पूरा समर्थन है, ये योजना निश्चय ही उत्तराखंड के अनेक परिवारों को बर्बाद कर देगी, मुख्यमंत्री महोदय को पुनर्विचार करके इस खतरनाक योजना को रोक देना चाहिए। कर लिया कंथोला साहब, पुनर्विचार हो गया और योजना रुक भी गई, आपने जो सोचा वही हो गया, बहुत अच्छी बात है। आज का पब्लिक इंटरेस्ट कैसा लगा आपको, आगे क्या दिखाएंगे, इसराइल से हमास वॉर जोन में स्पेशल रिपोर्ट क्या है आशीष लेकर आ रहे हैं, मुझे आप इजाज़त दीजिए और कल रात 9 बजे आपके मुद्दों के साथ और इसराइल में क्या कुछ चल रहा है, हिमास को कितना नुकसान पहुंचा, इन तमाम चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।